अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम भट्टी साहब। पाकिस्तानी विलेज में आपको एक मरतबा फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं कुछ दिन वीडियोस नहीं बना सका, भट्टी साहब डालते रहे वीडियोस, तो अब हम दोबारा रिज्वाइन किया है पाकिस्तानी विलेज को और इस पर आप हमारी वीडियोस देखा करेंगे। आज की ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। हमारे पंजाब की जो सौगात है गुड़, जिसको गुड़ कहते हैं, गन्ने से बनता है और आज हमें भट्टी साहब लेके जा रहे हैं। भट्टी साहब क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में? पंजाबी च गल करो अज तुसी ना। अज बड़ी उमर भाई वेलने तो जा रहे हैं, तो उत्थे वेलना लाया एक दोस्त ने, तो लोगों ना असी सारा जिहड़ा प्रोसेस है ना वो दिखाना है कि गुड़ किस तरह तैयार होंदा है, किस तरह बनता है। तुहानू पता शहरां च कोई खालस चीज़ नहीं मिलती, लेकिन इत्थे किस तरह तैयार होंदा हर चीज़ जिहड़ी है ना, थ्रू आउट प्रोसेस उहदा सारा प्रोसेस अपनी जिनी भी ऑडियंस है ना उन्होंने दिखाना है, तो और उन्होंने ये दसना है कि वाकई पिंडां दे विच अज भी खल चीज़ा बनदी है और खल चीज़ा बन के मार्केट जांदी और लोगों नूं उहदा फायदा हुंदा। तो आओ चलिए तो विखाउंदे हां। चलो जी, ये पाकिस्तान दी विच नहीं सिर्फ, मैं भी अज थोड़ी पंजाबी च गल करदा, ये इंडिया दे विच भी ये सेम चीज़ इस तरह ही हुंदी है जी। प्रोसेस जिहड़ा गुड़ वा जां बनदा जिस तरह वो पाकिस्तान च भी इस तरह बनदा। वैसे हुण हो सकदा कि इंडिया दे विच जां कुछ जगह ते थोड़ी जिहड़ियां ना एडवांस चीज़ां लेटैसट चीज़ां आ गईयां, लेकिन असीं तुहानूं ओही पहले वाला सिस्टम सारा दिखाने की कोशिश करांगे। बट साहब उस तरह का ही है ना सिस्टम सारा। हाँ जी, दूसरा उमर भाई मैं ये नाल नाल ये भी कहना चाहवागा कि तुहाडे आउणा माशाल्लाह बहुत चीज़ा सीखने को भी मिलती हैं, तो बहुत अच्छी वीडियोज़ भी बन दियाँ और लोगों ने मैनू बहुत ज़्यादा कहा कि उमर भाई कितने ने, उमर भाई क्यों नहीं आ रहे। तो मैनू तो पता ही कि तुसी अपनी निजी मसरूफियत की वजह तो मतलब टाइम नहीं कढ़ पा रहे, लेकिन असी दोबारा फिर तुहानू वेलकम कहने तुसी साडे नाल आए और जिहड़े लोगों दी ख्वाहिशां सी कि जोड़ी कठी काम करे तो दोबारा फिर शुरू हो गया। ये जिहड़े साडी आडियंस आ ते तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, लोग देखना पसंद करते हैं। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यूअसली हर वीकेंड पे जिस तरह साडा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी भट्टी साहब, अब ऑडियंस को वेट नहीं करवाना, वो मेन चीज़ जो है हम अपनी दिखाते हैं। हम पहले गाड़ी पर जाएंगे, उधर थोड़ा सा दूर है, इधर 4-5 किलोमीटर 2-3 गाँव बीच में से होके आगे जो है उधर जाएंगे, दोस्त है हमारे उधर, तो उधर जाके वीडियोस बनाते हैं। चले। ये जी हम इस वक्त शाहकोट सत्राबाद रोड पे है और निजामपुरा मूला सिंह इसको कहते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव, इतना बड़ा तो नहीं है, तहसील ननकाना साहब का, तो किसी दिन इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं 82 चक में, जिसका नाम रसूलपुर है और ये भी ज़िला ननकाना का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जब हम इंटर हुए हैं तो एक चीज़ की मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ये जो आप गंद देख रहे हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, जो गांव होते हैं उनको साफ़ होना चाहिए। और मैं इस गांव के लोगों को कहूँगा अगर ये सुनते हैं तो भाई अपने गाँव के एंट्रेंस को साफ करें। बाकी ये गाँव अच्छा है, प्यारा है, खूबसूरत है, जब हम इंटर होते हैं इसमें तो वहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बाकी ये गांव ठीक है, लोग बड़े अच्छे हैं इस गांव के, पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी थोड़ा सा गांव में हम इसमें से गुजर रहे हैं, ये भी आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ।
हम पहुंच चुके हैं। असल में ये एक डेरा टाइप है, मैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो जिस जगह पर हम आए हैं आज व्लॉग शूट करेंगे इस जगह पर। अच्छा बड़े साहब क्या हो रहा है इधर? उमर भाई असल में ना ये जो आज वीडियो बनने जा रही है ना, ये हर बंदे की फेवरेट वीडियो है। तो चाहे वो बंदा यूरोप में बैठा है या पाकिस्तान में, एक तो चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज जो यहाँ पर आए हैं ना वेलने पे बन क्या रहा है, गुड़ बन रहा है। गुड़ बन रहा है और गुड़ का मैंने आपको बताना है और दिखाना है कि खालिस गुड़ कैसे बनाया जाता है और कैसे तैयार होता है, वो सारी चीज़ें आज इसमें आपको वीडियो में बताएंगे। तो आए चलते हैं और आगे जाके आपको सारी चीजें दिखाते हैं। और गुड़ भी खाते हैं, मौसम बड़ा ठंडा है और खिलाते भी हैं आपको। पति साहब ने तो अपने आप को कवर किया हुआ है लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। चले जी कोई बात नहीं, गुड़ खाएंगे और जहाँ पर गुड़ बनता है वहाँ पर आग जली हुई है तो उधर सर्दी कम लगेगी हमें। चले जी चलते हैं। ये जी हम जा रहे हैं अंदर, सारा सिस्टम लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं कि कैसे सारा काम हो रहा है। ये प्योर जहाँ पर गुड़ बनता है, जिस तरह बनता है वो आपको दिखाएंगे। गन्ने में लगाएंगे तो इसकी गन्ने का जूस निकालेंगे, गन्ने का जूस निकाल के फिर आगे ना कड़ाह में डालेंगे और वहां से आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस होता जाएगा। अच्छा बट सब ये चला के दिखाएंगे हमें जरा। अभी चलाने लगे हैं जी, थोड़ा सा गेड़ा दे जी इसको। आपको दिखाया है कि उधर से रॉ फार्म में जो है रो या गन्ने का रस हमारे पास इसमें आता है, इधर से इन्होंने मशीन लगाई हुई है उसके जरिए ये वाला जो कड़ा है ना इसमें आता है और इसमें से एक दफ़ा रेक्टिफाई करके फिर वो वाला जो कड़ा है उसमें डाल देते हैं और उधर से मुकम्मल जब उसकी सफाई वगैरह होती है उसमें जो रंग कार्ड जिसको ये कहते हैं वो डालते हैं। असल में वो केमिकल ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा सा डालते हैं इसकी सफाई करने के लिए। तो अगर वो ज़्यादा डालेंगे तो कलर चेंज होता है उससे ना, गुड़ का जो कलर है ज़्यादा डालें तो ज़्यादा वाइटनेस आती है, लेकिन उन्होंने बहुत मुनासिब मकदार से डाला और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में बना रहे हैं, मैंने खुद खा के देखा है। तो बाकी जेन्युइन जो मीठा होता है या गुड़ होता है या शक्कर होती है वो ऐसे बनती है जी साहब। इसके अलावा इसका कोई और प्रोसेस? अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है, वो गिरियाँ वगैरह डालकर गुड़ बनाते हैं, वो तो घर में खाने के लिए। असल में आज ना हमारा प्रोग्राम अचानक से बन गया था, अगर प्रॉपर हम व्लॉग जैसे शूट करते बाकी वीडियोस चैनल पर तो हम शायद वो भी सारा सामान लेके आते, वो भी डाल के बताते हैं आपको। वो उसमें डालते हैं या इसमें डालते हैं? जब इसमें डालते हैं जी। अच्छा अच्छा, वो जब आप रॉ जो फार्म में आ जाती है गुड़ की फार्म में इधर, तो इसमें फिर वो गिरियाँ वगैरह डाल देते हैं। गिरियाँ वगैरह डालते हैं वो घर खाने के लिए होता है इस्तेमाल कर। वो तो अब लोग सेल भी करते हैं ना, खाना खाने के बाद ना वो बड़ा जायका उसका बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए वो घरों में लोग रखते हैं और खाते हैं, अच्छा होता है। ये दसो कि तुम कितनी देर तो ये काम कर रहे हो? जो अपना काम हो बोर हो काम चलते ने। बिलकुल बाबा जी दलां बड़ी जबरदस्त बाबा जी ने गल की थी, अपना काम है ते बोर कादा होना है, जे अपने काम च भी बोर हुई फिर काम नहीं चलते हैं। नाले सर्दी है ते सर्दी विच बड़ा बंदे नूं इजी रहिंदा अग बालना, जिन्नी के धुंद पै रही है मौसम खराब। देखो जी सर्दी होवे या गर्मी होवे साडा इह काम है, असीं ते करना ही करना। जी तो दोस्तों गुड़ कैसे बनता है बिल्कुल रॉ फॉर्म में, बाकी इसका और भी प्रोसेस होता है। जो खेत होते हैं वहाँ से ये जो गन्ना होता है इसकी कटाई होती है, उधर इसको साफ किया जाता है, तो वो प्रोसेस तो मैं नहीं दिखा सका। बाकी गुड़ किस तरह बनता है वो मैंने सारा आपको दिखाने की कोशिश की है और बड़े अच्छे तरीके से भाई ये गुड़ बना रहे हैं। नदीम भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ वीडियो पार्टिसिपेट किया। तो
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप रेगुलर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी पाकिस्तानी विंजेस पर। तो बच्चा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये उमर भाई ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी कि आप दोबारा हमें ज्वाइन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और आगे भी अपनी जो हमारी आवाम है, ऑडियंस है, जो लोग हमें पसंद करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि फलां वीडियो बनाएं, तो आपने हमें ज्वाइन कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला आवाम का नाज़रीन की ख्वाहिशात का ख्याल रखेंगे और ऐसे ही वीडियो चलती रहेंगी। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।